छत्तीसगढ़ ट्रैफिक पुलिस के जवानों को गर्मी से बचाने के लिए मिल सकते हैं एसी वाले हेलमेट। अगर सब कुछ सही रहा तो सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों को वातानुकूलित हेलमेट मिल सकते हैं। इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। इस हेलमेट को देने का मकसद जवानों को गर्मी से बचाना है। पुलिस मुख्यालय में 12 जून को हुई प्रदेश भर के थाना प्रभारियों की बैठक के दौरान डीजीपी डीएम अवस्थी ने हेलमेट की टेस्टिंग की। फिलहाल फील्ड टेस्टिंग के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। हेलमेट में लगी बैटरी से संचालित होने वाली चिप कूलिंग करती है। दरअसल राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते हर कोई परेशान है। ऐसे में सड़क पर सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात पुलिस बल के जवानों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने का इंतजाम किया जा रहा है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि हेलमेट बनाने वाली कंपनी कुछ हेलमेट देगी जिसका फील्ड में परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण के बाद इसे खरीदने पर विचार किया जाएगा। स्पेशल डीजी आर के विज ने बताया कि इस हेलमेट में एक चिप लगी है जो बैटरी से संचालित होती है, इसलिए कितनी कूलिंग हो रही है, बैटरी कितने घंटे तक काम कर सकती है और बैटरी की लाइफ का परीक्षण किया जाएगा। इस हेलमेट को जवानों की कमेटी से अप्रूवल मिलने के बाद खरीदी की जाएगी। गर्मी में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को खुले में ड्यूटी करनी पड़ती है, ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए पुलिस विभाग की ओर से एसी वाला हेलमेट उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.